नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था यानी ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर में क्या पढ़ा था यानी आपके इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, उनके प्रकार थे सीटी और पीटी, वो लगभग क्लियर हो चुके। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आज बताएंगे आपको आउटपुट वोल्टेज के आधार पर यानी ट्रांसफार्मर कितने प्रकार थे, किस प्रकार। आज आपको कुछ ना कुछ नहीं है जरूर सीखने को मिलेगा और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। दोस्तों, तो अब आपको बता दें आज के लिए आपके लिए क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है, जो भी आप देखोगे आपको खुद को मालूम चल जाएगा। तो आज बता रहे आपको आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार के होते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करें सबसे पहले आउटपुट वोल्टेज के आधार पर, यानी आउटपुट वोल्टेज के आधार पर यानी आउटपुट वोल्टेज के आधार पर यानी दोस्तों, अब आउटपुट वोल्टेज के आधार पर आपके ट्रांसफार्मर के तीन प्रकार होते हैं। एक आता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक आता है स्टेप डाउन, एक आता आपका आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर यानी आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है उसे बोलते हैं पृथक्कारी ट्रांसफार्मर, जो एक अलग से। दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर में पिछली बार आपने टेक्निकल हेल्प में देखे थे, काफ़ी बार लगभग दो या तीन एग्जाम में इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन आपको स्टार्ट से बता दें यानी आपका पहला प्रकार कौन सा है, स्टेप अप। स्टेप अप पहला प्रकार का ट्रांसफार्मर का। दूसरा प्रकार है स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। और तीसरा प्रकार आपका आइसोलेटर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। ठीक दोस्तों, तो इस आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या बोलते हैं, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में इसको बोलते हैं पृथक्कारी ट्रांसफार्मर, पृथक्कारी ट्रांसफार्मर। तो अब दोस्तों स्टार्टिंग से देखना यानी ये किस प्रकार क्या है। तो आपका सबसे पहले बता रहे हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जिसमें किस प्रकार कौन सी राशि किस प्रकार बढ़ती है। तो स्टेप अप, स्टेप अप यानी जो वोल्टेज हो क्या कर रहा है, स्टेप अप यानी कुल मिला स्टार्ट में क्या बता रहा है, आउटपुट वोल्टेज यानी तीनों ट्रांसफार्मर क्या है, वोल्टेज के आधार पर। और वोल्टेज के आधार पर बताया कि किसमें क्या स्टेप अप हो रहा है, किसमें क्या स्टेप डाउन हो रहा है। तो सबसे पहले आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो इसमें क्या होता है, वोल्टेज स्टेप अप हो रही है यानी वोल्टेज का मान बढ़ रहा है। अब आपको यह भी मालूम है अगर वोल्टेज का मान बढ़ रहा है तो धारा का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, ये तो आपको मालूम है स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज का मान बढ़ रहा है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर जो धारा के मान को कम करता है, वो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज के मान को बढ़ाएगा तथा धारा के मान को कम करेगा। तो इसमें देखो आपका वी वन और वी टू यानी आपकी प्राइमरी की वोल्टेज और सेकेंडरी की वोल्टेज, अगर स्टेप अप हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है यानी सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है यानी स्टेप अप यानी वोल्टेज का मान इसका बढ़ रहा है। इसके अनुसार अब वोल्टेज का मान कहाँ बढ़ता है, अब आपको मान लो ट्रांसफार्मर की प्रति टर्न वोल्टेज समान होती है, तो प्रति टर्न वोल्टेज समान होती है तो जिस वाइंडिंग में यानी प्राइमरी या सेकेंडरी जिस वाइंडिंग में टर्न की संख्या अधिक होगी उसी की तो वोल्टेज अधिक होगी। तो इसमें भी क्या करेंगे यानी आपका एन वन व एन टू, तो अगर वोल्टेज स्टेप अप हो रहा है यानी कुल मिला क्या हो रहा है, आपके टर्नों की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग की अधिक है इसी कारण इसमें वोल्टेज क्या हो रहा है, अप हो रहा है। तो इसमें इसकी राशि क्या है, ये एन टू की राशि अधिक है, इसमें वी टू की वोल्टेज की राशि अधिक है। अब ये दो राशियाँ होने के बाद अब इसमें आती है आपकी धारा, यानी अब आपको मालूम है अगर यहाँ पर वोल्टेज का मान बढ़ रहा है तो धारा का मान क्या होगा, धारा का मान कम हो जाएगा। यानी इन दोनों में तो क्या है, ये दोनों सेकेंडरी राशि बढ़ी थी, इसमें क्या है प्राइमरी की राशि यानी आपकी प्राइमरी की धारा अधिक है यानी आई वन की धारा अधिक है, इसमें एन टू के अधिक है, इसमें वी टू अधिक है। इतने ये तीन होने के बाद चौथा इसमें आता है यानी इसका रेशो यानी ट्रांसफार्मर रेशो क्या होता है, यानी कुल मिला के बराबर क्या होता है, यानी इसका मान इकाई से अधिक होता है, इकाई से अधिक कैसे, यानी इसमें इकाई से अधिक होना चाहिए यानी एक से अधिक होना चाहिए। तो ये क्या है, ये रेशो है जो करंट वोल्टेज इम्पीडेंस और आपकी धारा तीनों के मानों को ये दर्शाती है। तो यहाँ पर क्या है, ये इसकी इकाई से अधिक इसके सेकेंडरी में, इसमें इकाई से अधिक है सेकेंडरी में टर्नों की संख्या, इसमें इकाई से अधिक क्या है प्राइमरी में धारा का मान अधिक है। तो इसमें क्या कुल मिला के इकाई से अधिक इसका मान होता है। तथा आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर का कनेक्शन किस प्रकार का होता है, तो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है इसका कनेक्शन तो इसका कनेक्शन मुख्यतः होता है स्टार टू डेल्टा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर है जिसमें धारा का मान कम होता है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में धारा का मान कम होता है।
ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर जिसमें वोल्टेज का मान अधिक होता है, तो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज का मान अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से स्टेप अप आपका क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद में मैं आपको आगे बताता हूँ, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा। यानी अगर यहाँ पर देखो स्टेप अप में, अगर यहाँ पर वोल्टेज का मान बढ़ रहा है तो धारा का मान स्वतः ही चेंज हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। यानी वोल्टेज बढ़ती है, धारा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब आगे देखो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या है, यहाँ पर भी देखो, यानी स्टेप डाउन यानी कम हो रहा है। अब कम यानी यहाँ पर वही राशि दिखा दो V1 व V2। अब वहाँ पर स्टेप अब में तो अधिक ये हो रही थी, अब इसमें क्या होगा, V1 का मान अधिक और V2 का मान कम। यानी स्टेप डाउन में क्या होता है कि आपके प्राइमरी की वोल्टेज अधिक होती है, सेकेंडरी की वोल्टेज कम में होती है। अब आपको ये भी मालूम है, यानी वोल्टेज कम कहाँ पर होती है, जहाँ पर टर्नों की संख्या कम होती है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें N1 व N2 दर्शाई, तो इसमें N1 के टर्नों की संख्या अधिक होगी, तभी तो V1 का मान अधिक होगा। तो इसमें N2 में टर्नों की संख्या कम है, इसी कारण इसमें वोल्टेज कम हुई थी। अब यहाँ पर इतना होने के बाद अब आगे चले धारा पर, तो I1 व I2, तो इसमें क्या होगी, यानी ये कौन सा ट्रांसफार्मर, वह कौन सा ट्रांसफार्मर जिसमें धारा का मान अधिक होता है। तो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में धारा का मान क्या होता है, अधिक होता है। तो स्टेप डाउन में देखो धारा अधिक हो रही है, वोल्टेज कम हो रही है, टर्न की संख्या कम हो रही है, तब धारा का मान क्या हो रहा है, यानी धारा का मान अधिक हो रहा है। इतना होने के बाद दोस्तों इसमें क्या इकाई से अधिक, यानी आपका ट्रांसफार्मर रेशो किसमें स्टेप अप में, हाँ ट्रांसफार्मर रेशो का मान क्या है, इकाई से अधिक, इकाई से अधिक। तथा स्टेप डाउन में क्या है, इसमें के बराबर इकाई से कम, यानी इसमें ट्रांसफार्मर रेशो का मान इकाई से कम होना चाहिए, यानी क्या है, इकाई से कम। यानी इसमें ट्रांसफार्मर रेशो का मान क्या होता है, ट्रांसफार्मर रेशो का मान इकाई से कम। ठीक है दोस्तों, इतना होने के बाद में ये तीन चीज़ें हो गई और चौथी जो इसकी रेशो आ गई, यानी कुल मिला के चार चीज़ें होती हैं, जो चारों चीज़ें आपकी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में भी क्लियर हो चुकी है। तो ये कौन सा है, वह कौन सा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को कम करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वह कौन सा ट्रांसफार्मर जो धारा के मान को बढ़ाता है, तो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो धारा के मान को बढ़ाता है। इसके बाद में आपका वोल्टेज के आधार तीसरा प्रकार है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, यानी पृथककारी ट्रांसफार्मर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। पिछली बार आपने टेक्निकल हेल्प में देखा था, लगभग कितने एग्जाम लगे, उसमें से 5-6 एग्जाम में क्वेश्चन आया था जो किस प्रकार है। आप अच्छे से देखना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि उनको भी मालूम चले यानी ये कौन सा ट्रांसफार्मर है। क्योंकि आप देखते हो ITI में आपको ओनली स्टेप अप व स्टेप डाउन दो ट्रांसफार्मर बता रहे हैं, आज आपको कुछ अलग हो सके, तभी तो कहते हैं कि वीडियो पूरा दिखा करो, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। तो अब इसमें देखो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यानी पृथककारी ट्रांसफार्मर। सबसे पहले आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या होता है, यानी आपकी लाइन होती है, तो लाइन में 5-10% वोल्टेज की क्षतिपूर्ति करने के लिए आपका आइसोलेशन ट्रांसफार्मर काम देते हैं, जो लगभग 1 किलोमीटर या 500 मीटर की दूरी पर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं, जो ओनली 5-10% की वोल्टेज की क्षतिपूर्ति करने के लिए। वैसे ये ट्रांसफार्मर काम में नहीं लेते हैं, ओनली इसे 5-10% वोल्टेज क्षति, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन अब आपको दे रखा है तो बता दें, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब इसको बताइए, अब इस ट्रांसफार्मर में न तो वोल्टेज स्टेप अप होती है न स्टेप डाउन, यानी इसका मान क्या रहता है, लगभग स्थिर, ओनली 5-10% क्षतिपूर्ति करता है, न तो इसका अधिक होगा न स्टेप अप होगा न स्टेप डाउन होगा। तो अब इसमें देखो दोस्तों, यहाँ पर हो रही है आपकी V1 और V2, यानी इसमें क्या हो रहा है, वहीं याद, यानी अगर यहाँ पर V1 का मान और V2 का मान क्या रहेगा, समान। अगर प्राइमरी की वोल्टेज जितनी वोल्टेज है उतनी क्या होगी, सेकेंड की। उसी के अनुसार अगर N1 व N2, यानी जितने प्राइमरी के टर्नों की संख्या होगी उतनी ही सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्नों की संख्या होगी। इसी के अनुसार जितनी प्राइमरी की धारा होगी उतनी ही सेकेंडरी वाइंडिंग की धारा होगी। तथा ट्रांसफार्मर रेशो का मान क्या होता है, ट्रांसफार्मर रेशो का मान क्या होता है, इकाई। यानी ट्रांसफार्मर रेशो का मान क्या होता है, किसमें, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर रेशो का मान इकाई होता है। अब इकाई होता है किस प्रकार, यानी कुल मिला के 1:1, यानी प्राइमरी में का 1:1 तो सेकेंडरी का 1:1। तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर इस ट्रांसफार्मर का ज़्यादातर उपयोग नहीं करते हैं, ओनली 5-10% की क्षतिपूर्ति, यानी जिस प्रकार 1 किलोमीटर या 500 मीटर की दूरी पर जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें यह आपका काम लिया जाता। तो इस प्रकार आपका यह आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है। अब वहाँ पर आपको इस प्रकार के पूछेगा, हाँ
कुल मिला के वहाँ पर दे देगा कि 1:1 किसका है, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मर रेशियो है जो प्राइमरी और सेकेंडरी की होती है। दोस्तों ये आपका आउटपुट वोल्टेज के आधार पर क्लियर हो चुका है। अब आगे बताएंगे आपको कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार। दोस्तों लगभग कोर के आधार पर आपको पहले बता दिया है, आज एक बार दोबारा से बताए, अगर जिसने पहले वाला वीडियो देख लिया उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा, जिसने नहीं देखा वो भी देख लो, क्योंकि इसमें आपकी जो चीज़ें कमी रह गई थी वो और क्लियर हो जाएगी। तो अब देखो आउटपुट यानी कोर के आधार पर दोस्तों सबसे पहले कोर के आधार पर यानी कोर क्या था भाई, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर की कोर किसकी बनी होती है, आपने पिछली क्लास में नहीं देखा तो देख लेना है। यानी आपको दो कोर बता दी, एक तो सिलिकॉन स्टील, एक बता दी आपको फेराइड कोर। सिलिकॉन स्टील हम काम में लेते हैं जो किसका मिश्रण होता है, यानी 97 तो होता है आयरन और 3% होता है सिलिकॉन, तथा एक बता दी फेराइड कोर, वो भी दो धातुओं का मिश्रण था। एक बार पिछली क्लास जरूर देखना, वहाँ पर भी आपको कोर के आधार पर ट्रांसफॉर्मर बताए हुए हैं, वहाँ पर पूरा बेसिकली पूरा समझाया गया। अब कोर के आधार पर मुख्यतः आपके ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो भी तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कौन सा आता है, कोर टाइप, और दूसरा आता आपका सेल टाइप, और तीसरा आता आपका बेरी टाइप ट्रांसफॉर्मर। बेरी टाइप, ठीक दोस्तों। तो इस प्रकार आपके तीन ट्रांसफॉर्मर के प्रकार है कोर के आधार पर। सबसे पहले आपका कोर प्रकार का ट्रांसफॉर्मर। अब कोर प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में हम किस प्रकार की कोर काम में लेते हैं, तो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में एक तो आती है आपकी यू, एक आती है आपकी एल। अब यू एल तो आती है, लेकिन इन दोनों को आपस में कैसे जोड़ते हैं, तो माना कि दो, एक तो यू ये आ गया आपका, यानी एक यू तो आपका ये आ गया, और एक यू इसके जस्ट ऊपर रख दो, एक यू आपका ये आ गया। इन दोनों को मिला के एक कोर तो इस प्रकार बनेगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तथा एल को किस प्रकार मिलाते हैं, एक एल तो ये आ गया और एक एल ये आ गया, तो दो एलों को मिला के एक आकृति इस प्रकार बन गई, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखो, इस कोर में इस प्रकार प्राइमरी वाइंडिंग स्थापित कर देते हैं, ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार इसमें इस कोर पर आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग ये स्थापित कर देते हैं। अब इस कोर में चुंबकीय पथ किस प्रकार होता है दोस्तों, यानी इसमें चुंबकीय कोर इस प्रकार ये गुजरेगा, और आपका इस प्रकार इसमें चुंबकीय पथ इस प्रकार ये गुजरेगा, यानी प्राइमरी से सेकेंडरी में चुंबकीय बनेगा और छेदन होगा इसमें, यानी कुल मिला के आप ये कोर है, इस कोर के ऊपर इस प्रकार प्राइमरी वाइंडिंग, इस पर सेकेंडरी वाइंडिंग होती। इसमें चुंबकीय पथ का रास्ता क्या होता है, एक होता है, क्योंकि इससे इस प्रकार तो गुजरेगा चुंबकीय फ्लक्स, और इसमें इस प्रकार गुजरेगा, तो इसमें एक चुंबकीय फ्लक्स का छेदन होगा, ग्रंथि फ्लक्स होगा। हाँ, इसमें फ्लक्स लीकेज का मान थोड़ा अधिक होता है इस ट्रांसफार्मर का, और आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर सिंगल फेज में ही काम में लेते हैं, और इसमें चुंबकीय पथ का एक रास्ता होता है। यानी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कोर टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पथ के रास्ते कितने होते हैं, एक, और इसमें लीकेज फ्लक्स का मान अधिक होता है, क्योंकि ये दोनों वाइंडिंग दूर दूर थोड़ा लीकेज या लगभग वाई कोर की तरह है, तो इसमें फ्लक्स यानी लीकेज फ्लक्स का मान अधिक होगा। सिंगल फेज सप्लाई में ये काम लेंगे, इसमें कौन सी कोर काम लेते हैं, यू कोर व एल कोर, जो इस प्रकार समाहित हो जाती है, तो आपका ये इस प्रकार है। अब इस प्रकार के ट्रांसफार्मर यानी आपका ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर दोस्तों जो सिंगल फेज में काम में लेते हैं, और कोर टाइप ट्रांसफार्मर में काम में लेने के लिए इस प्रकार की यू व एल प्रकार की कोरें काम में ली जाती है। अब इसके बाद में दोस्तों आगे आपको बताते हैं सेल टाइप, ध्यान रखना थ्री फेज के लिए आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर काम में नहीं आता है। अब आगे आ रहा आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर, यानी सेल टाइप ट्रांसफार्मर कहाँ काम में लेते हैं और किस प्रकार की कोर होती है, तो आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर है, तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, किस प्रकार की कोर आएगी, इसमें ध्यान रखना ई व आई दोनों कोरों को मिलाकर ये ट्रांसफार्मर तैयार किया जाता है, यानी ई व आई आकार की कोर को मिलाकर आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर काम में लिया जाता है।
हाँ, ये सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों सप्लाई के लिए काम में आता है, ज़्यादातर इसको थ्री फेज सप्लाई के लिए काम में लेते हैं। तो अब इसमें देखो, अगर ये हम सिंगल फेज के लिए काम में ले रहे तो किस प्रकार बनाएंगे, अगर थ्री फेज के लिए ले रहे हैं तो किस प्रकार बनाएंगे। तो आपकी ई व आई प्रकार की कोर को मिलाकर आपका सेल टाइप, ये सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर बनाया जाता है। तो इसमें देखो, ये आ गई ई कोर, और इस प्रकार ई कोर आने के बाद इसके ऊपर ये आ गया आपका आई, हो गई। अब इसमें क्या होता है, यानी इसके ऊपर तो आ गई आपकी प्राइमरी वाइंडिंग, और इसके बीच में हम देते हैं इंसुलेशन, यानी इंसुलेशन यानी ऑयल डाल देते हैं। इसके बाद में इसके ऊपर ये आ गई आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग, तो इसके ऊपर ये क्या आ गया आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। अब इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग, तो आपके ओनली इस पर एक वाइंडिंग के ऊपर ही दूसरी वाइंडिंग आ जाती है, तो इस प्रकार ये आपके सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इस प्रकार का होता है। तो आपका सिंगल फेज के लिए ट्रांसफार्मर बहुत कम काम लेते हैं, पहले बात तो लेते नहीं, तो इसमें इस प्रकार के हो गए। अब थ्री फेज के लिए देखते हैं, इन थ्री फेज के लिए किस प्रकार आता है। दोस्तों थ्री फेज के लिए देखो, ये आ गए आपकी ई कोर, और इसके नीचे ये आ गए आई कोर। अब देखो, सबसे पहले इस पर आ गई है प्राइमरी वाइंडिंग, और प्राइमरी वाइंडिंग ये दोनों कनेक्शन ही आ गए, इस प्रकार ये आ गए आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग, और सेकेंडरी वाइंडिंग के दोनों कनेक्शन ये आ गए, इस प्रकार ये आपकी दूसरा आ गया, और इस पर ये आ गया, और ये आ गया टर्मिनल आ गए, दो टर्मिनल इसके आ गई। इसी प्रकार इसके ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग, और इसका एक टर्मिनल ये आ गया, एक टर्मिनल ये आ गया। इसी प्रकार ये आ गई, और इसका एक टर्मिनल ये आ गया, एक टर्मिनल ये आ गया, और इस प्रकार ये सेकेंड वाइंडिंग ये आ गई, इसका एक टर्मिनल ये आ गया और एक टर्मिनल ये आ गया। यानी आपका जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर है जो इसका, अब दोस्तों देखो, प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग थी सिंगल फेज में, फिर उसमें सेकेंड, तो उसमें लीकेज फ्लक्स का मान क्या हो रहा है, न्यूनतम हो रहा है। और यहाँ पर आपने कोर में देखा था, इसमें अधिकतम हो रहा, अधिकतम क्यों, क्योंकि इस प्रकार आपने बनाया था, और इस प्रकार ट्रांसफार्मर में यानी इस प्रकार चुंबकीय फ्लक्स का छेदन हो रहा था, तो इसमें लीकेज फ्लक्स का मान अधिक हो रहा। लेकिन इसमें क्या है, प्राइमरी से सेकेंडरी का जस्ट एक दूसरे के ऊपर नीचे, तो उसमें लीकेज फ्लक्स का मान कम होगा। इसी प्रकार आपके इसमें चुंबकीय पथ के मार्ग कितने हो गए, दो हो गए दोस्तों, एक तो ये मार्ग हो गया, एक ये मार्ग, तो इसी के ऊपर दो पथ। तो ध्यान रखना, कोर की बजाय सेल टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स का मान कम होता है और मजबूत फ्लक्स प्राप्त होता है, तो इस प्रकार सेल टाइप ट्रांसफार्मर का ये होता है। तो मेरे हिसाब से ये भी आपका क्लियर हो चुका है। तो आपका अधिकतर ये ट्रांसफार्मर काम में लिया जाता है। दोस्तों ये चीज़ें आप हम कोर के आधार में, ये आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग आपके सेकेंड ईयर में भी काम में आएंगे, तो ये चीज़ें वहाँ पर भी, यानी वहाँ पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, यानी कोर टाइप ट्रांसफार्मर बनाइए, सेल टाइप बनाइए, या बेरी टाइप बनाइए। तो इस ट्रांसफार्मर लेसन में आप ड्राइंग की चीज़ें भी क्लियर कर लो, क्योंकि आपके सेकेंड ईयर की ड्राइंग में भी ये चीज़ें क्लियर है। तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप थ्योरी के साथ साथ ड्राइंग की चीज़ें भी क्लियर कराओ, क्योंकि आपको हर पाठ में हर चीज़ का डायग्राम बना के बता रहे हैं, जो अब आपको मालूम है कि आपकी सेकेंड ईयर ड्राइंग में पूरी थ्योरी है, उस थ्योरी के डायग्राम में, वो ट्रांसफार्मर हो, जनरेटर हो, मोटर हो, या लैंप प्रदीप्ति कोई सा, वो पूरे इसी प्रकार आएंगे। तो आपका ये क्लियर हो चुका है। अब आपको बता दें बेरी, वैसे बेरी दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है बेरी टाइम में से, लेकिन आपको डायग्राम बता ही देते हैं, क्योंकि इसमें नहीं तो आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में तो काम में आ ही जाएगा। और बेरी टाइप ट्रांसफार्मर देख लो, यानी आपका तीसरा कोर के आधार पर बेरी टाइप ट्रांसफार्मर, बेरी टाइप। तो बेरी टाइप में क्या होता है दोस्तों, इसमें एक आधार होता है, यानी ये आधार हो गया, और इस आधार से अनेक कोर बनाई जाती है, यानी इस ट्रांसफार्मर की अनेक कोरें बनाई जाती है, ठीक है दोस्तों, यानी इस प्रकार अनेक कोर बनाई जाती है। तो इस प्रकार तो ये हो गया, यानी इसमें चुंबकीय पथ के रास्ते भी अनेक हो जाएंगे। इसके अलावा इसका ऊपरी सतह का चित्र बता रहे, वो चित्र देखो, यानी ऊपरी सतह है, और अब इसमें देखो, इसमें चुंबकीय पथ के अनेक रास्ते इस प्रकार होते हैं। तो अगर आपको पूछे, अगर ये डायग्राम पे आ जाए, तो इस प्रकार ये बनेगा, तो इसके चुंबकीय पथ के अनेक रास्ते जो है बहुत कम काम में आता है वैसे इतने, तो ये तो आगे सर्चना, ये क्या आगे इसकी ऊपरी सतह, तो सेल टाइप चुंबकीय बजाय इसका काम में बहुत कम लिया जाता है। तो इस प्रकार आपका बेरी टाइप, ये ओनली इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए बताएं, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो इस प्रकार ये आपकी ड्राइंग के लिए भी क्लियर हो चुका है। ये मेरे हिसाब से दोस्तों आप के लिए आपके एक तो क्या हो गए, कोर के आधार पर हो गए, एक आउटपुट वोल्टेज है, मेरे हिसाब से ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब ट्रांसफार्मर की आपकी एक या दो क्लास ही और बची है, इसके बाद में जस्ट
आपके ड्राइंग स्टार्ट करेंगे, जो आपकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की दोनों ड्राइंग लेकर आएंगे। सिलेबस के साथ साथ उसके पेपर भी हल करवाएंगे। तो अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करो। लगभग सभी क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आपकी क्लासेस चल नहीं रही है ITI में, तो आपके लिए अगर आप फ्री हो, मेरे हिसाब से फ्री हो, कुछ काम तो नहीं कर रहे हो इस टाइम पर क्योंकि छुट्टियाँ चल रही है कोरोना की वजह से, तो इसलिए आपकी ये इंजीनियरिंग क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि आपको मालूम है जैसे ही आपकी जुलाई अगस्त में एग्जाम होगी, तो अब लगातार अभ्यास की जरूरत है ड्राइंग के लिए, तो इसलिए आप हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो और बताएंगे आपको अगली क्लास में, देखना ट्रांसफॉर्म में।